हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नया वीडियो बनाया है, जैसे बना रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोमर्स मीन्स स्पेस। स्टीरियो मीन्स क्या होता है? स्पेस और 3D आइसोमर्स। अब देखिए क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर्स के दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स, दैट इज स्टीरियो आइसोमर्स। इसको हमें देखना पड़ता है कि ज्योमेट्रिकल कितने और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें पता ही है, जैसे होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्रोजन रोटेशन और हिंडेड रोटेशन। तो रोटेशन कैसा होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड, जैसे डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो गया, साइक्लो अल्किन्स हुआ, इन सम केसेस साइक्लो अल्किन्स ऑल्सो पॉसिबल। अब देखिए पहला होता है मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन डबल बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में मोर देन वन डबल बॉन्ड होता है तो इसमें दो केसेस पॉसिबल है। पहला केस इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास सी एच थ्री, पहला एंड सी एच थ्री दैट इज आर वन, दूसरा एंड सी टू एच फाइव दैट इज आर टू। हियर आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू, करेक्ट? अगर आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू देन वी हैव टू यूज फॉर्मूला जी आई। जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर एन। हियर वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं, यही एग्जाम्पल। इसमें कितने डबल बॉन्ड्स है? टू। टू डबल बॉन्ड्स तो हमें रखना होगा, जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर टू इज इक्वल टू फोर। अब देखिए फोर हो गए तो फोर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। पहले डबल बॉन्ड को मैं सिस लिखता हूँ, सेकंड डबल बॉन्ड को क्या लिखता हूँ? ट्रांस। देखिए फर्स्ट डबल बॉन्ड सिस, सेकंड डबल बॉन्ड सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, एंड लास्ट पॉसिबिलिटीज ट्रांस ट्रांस। टोटल हमें कितने मिले? फोर आइसोमर्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए ये सी एच थ्री और ये सी एल दोनों एंड कैसे हो गए? डिफरेंट। सो अगेन फॉर्मूला क्या होगा? वन टू थ्री डबल बॉन्ड, दैट इज जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन, दैट इज टू रेस्ट पावर थ्री मीन्स एट। एट आइसोमर्स आगे, इसके भी पॉसिबिलिटीज आपको ऐसे ही फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट चलो, जैसे ये सी एच थ्री एंड हो गया और ये एंड क्या हो गया? सी एच टू सी एच थ्री, दोनों डिफरेंट एंड है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वन टू, टू मीन्स टू रेस्ट पावर टू, दैट इज फोर आइसोमर्स। इसका भी पॉसिबिलिटीज क्या होगा? इसके जैसा ही, सिस 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 ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरे केस में क्या करना है। अब देखिए ये पार्ट देखिए, नो बी केस में इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू। जब आर वन इज इक्वल टू आर टू रहेगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है, जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट फोर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट फोर पी माइनस वन, वेर पी इज इक्वल टू एन बाई टू इफ डबल बॉन्ड्स आर इवन, एंड पी इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इफ डबल बॉन्ड्स आर ऑड। तो आपको पहले ध्यान में रखना इवन और ऑड डबल बॉन्ड्स है या नहीं है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में सी एच थ्री एक टर्मिनल, दूसरा सी एच थ्री सेम टर्मिनल। हियर आर वन इज इक्वल टू आर टू, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? इवन। अगर इवन डबल बॉन्ड्स है तो पी का वैल्यू क्या होगा? एन बाई टू। चलिए देखते फॉर्मूला में, जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर पी माइनस वन। पी का वैल्यू क्या होगा आपका? एन बाई टू। वाई? बिकॉज देर आर टू डबल बॉन्ड, मीन्स इवन डबल बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप वैल्यू में पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा थ्री। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए इस एग्जाम्पल में ये सी एच थ्री टर्मिनल और ये सी एच थ्री टर्मिनल, आर वन इज इक्वल टू आर टू। सो अगेन वी हैव फॉर्मूला सेम, दैट इज टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। अब मैंने यहाँ पे पी का वैल्यू क्या रखा है? ऑड वाला, तो ऑड का वैल्यू रखना है। तो अगर मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करता हूँ, टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने? वन टू थ्री डबल बॉन्ड्स, तो थ्री वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो फोर आएगा, यहाँ पे थ्री रखेंगे तो वैल्यू आएगा टू। तो टोटल आइसोमर्स कितने बने? सिक्स आइसोमर्स। तो इस केस में आपको मिलेंगे सिक्स आइसोमर्स। चलिए दूसरा केस, मॉलिक्यूल्स विथ डबल बॉन्ड प्लस कायरल कार्बन। अगर मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन है तो कैसे आपको फाइंड करना होगा? फॉर्मूला सेम आपको अप्लाई करना है, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर एन, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस कायरल कार्बन। देखिए यही फॉर्मूला है, स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर एन, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस कायरल कार्बन। अब देखिए यही एग्जाम्पल, इसमें कितने डबल बॉन्ड? वन डबल बॉन्ड प्लस वन कायरल कार्बन टू, वन डबल बॉन्ड प्लस वन कायरल कार्बन टू। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू टू रेस्ट टू पावर एन, वेर टू रेस्ट पावर टू इज इक्वल टू फोर। तो इसमें कितने करेंगे? फोर आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड, थर्ड डबल बॉन्ड। देखिए ये एंड भी डिफरेंट और ये वाला कंप्लीट एंड डिफरेंट, ये अनसिमेट्रिक हो गया। सो टू प्लस वन थ्री, थ्री मीन्स टू रेस्ट पावर थ्री इज इक्वल टू एट आइसोमर्स।
चलिए कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, इसको करते हैं। अब देखिए, ये टर्मिनल सी एच थ्री, ये टर्मिनल सी एच थ्री, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिकल, मीन्स आर वन इज इक्वल टू आर टू। अब मुझे देखना है डबल बॉन्ड ई वन ए के ऑड, डबल बॉन्ड कैसे ऑड, सो पी इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल आपको फॉर्मूला यूज, इसी के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। ये हो गया आपका फॉर्मूला, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए टोटल आंसर आएगा आपका सिक्स। तो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सिक्स, अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आएगा सिक्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, ये टर्मिनल सी एच टू है, ये टर्मिनल भी सी एच टू है। जब सी एच टू डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन इज सी एच टू, देन ज्योमेट्रिकल आइसोम इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोम पॉसिबल नहीं है। बट अब देखिए, इस एंड पे एच, ये कैसा दिख रहा है? सीस आपको दिख रहा है, ये भी कैसे है? सीस आइसोमर, करेक्ट। अब अगर मुझे इसको मुझे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड करने हैं, तो देखिए इसके लिए ये एंड सेम और इसके लिए ए एंड सेम हो गया, करेक्ट। तो ये कैसा हो गया? सीमेट्रिकल एंड। ये भी कैसा हो गया? सीमेट्रिकल एंड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे है यहाँ पे? इवन, दैट इज टू डबल बॉन्ड। तो फॉर्मूला क्या होगा? टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे? थ्री आइसोमर्स, करेक्ट, थ्री आइसोमर्स। चलिए ये वाला करते हैं, ये सी एच थ्री एंड, तो इसमें समझ गए आपको, इसमें देखिए सी एच टू ये सेम हो गया, ये सी एच टू सेम हो गया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। अब देखिए, ये डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी सीस, सीस, करेक्ट। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे है यहाँ पे? इवन। देखिए, ये इस डबल बॉन्ड के लिए ये टर्मिनल सेम और इस डबल बॉन्ड के लिए ये टर्मिनल सेम, मीन्स हमारा क्या हो गया? आर वन इज इक्वल टू आर टू। फॉर्मूला है जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन। तो टोटल मिला के आपका आंसर आएगा थ्री। चलो मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में देखो आपको ये सी एच थ्री दिख रहा है, सी एच थ्री और ये वाला सी एच थ्री, दोनों एंड कैसे हैं? सिमिलर। मुझे देखना डबल बॉन्ड कैसे ऑड इवन, वन टू थ्री फोर, फोर मीन्स इवन डबल बॉन्ड। अगेन सेम फॉर्मूला, जी आई इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर वन टू थ्री फोर ना, टू रेस्ट पावर एन बाई टू माइनस वन, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फोर डबल बॉन्ड ना, आपको वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, फोर डबल बॉन्ड का वैल्यू करो, इसका आंसर फाइंड करो, करेक्ट। तो टू रेस्ट पावर फोर माइनस वन प्लस टू रेस्ट पावर फोर बाय टू माइनस वन, तो इसका आंसर फाइंड करो। तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस वन, टू रेस्ट पावर थ्री एट आएगा, प्लस टू रेस्ट पावर टू माइनस वन यहाँ पे आएगा वन, एट प्लस टू, टोटल टेन आइसोमर्स। इसमें कितने आएंगे आपके? टेन आइसोमर्स। तो टोटल आपको मिलेगा इसके टेन आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन मॉलिक्यूल्स विथ कायरल कार्बन। अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? चलिए अब देखते हैं। पहली कंडीशन है इन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल देन वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे क्या होगा? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो एन को हमें क्या कंसिडर करना है? कायरल कार्बन। चलिए अब ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो, ये एन डिफरेंट, ये डिफरेंट, मीन्स अनसिमेट्रिकल हो गया, टू कायरल कार्बन। तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन, वे टू रेस्ट पावर टू, मीन्स टोटल आंसर आ गया आपका फोर, फोर आंसर आया। चल अब देखिए, इसी मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को मैंने चार फॉर्म में लिखा, बिकॉज इसके चार आइसोमर्स आ रहे हैं, पहला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए, फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन क्या होता है? इनांशोमर्स। मैं इसको बोलता हूँ इनांशोमर, ये क्या हो गया आपका? इनांशोमर्स। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया? फिर से इनांशोमर्स, बिकॉज दे आर मिरर इमेज। इनांशोमर इसीलिए क्या होगा? ये मिरर इमेज, करेक्ट, आफ्टर मिरर इमेज, करेक्ट। वन एंड थ्री डायस्टीरियोमर्स, टू एंड फोर डायस्टीरियोमर्स। वन एंड थ्री क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस। एंड टू एंड फोर क्या हो गया? डायस्टीरियोमर्स। वाई? बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज का। ना इन ग्लूकोज जनरल फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स। देखिए मैंने इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये जनरली होता है आपका डी ग्लूकोज,
तो इस केस में देखो कितने कायरल कार्बन है यहाँ पे, अब दिस कायरल कार्बन 1 2 3 4, फोर मीन्स देखिए ये एंड डिफरेंट, ये डिन डिफरेंट मीन्स अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, 2^n इज इक्वल टू 4, तो आंसर होगा 16, यहाँ पे आएंगे इसके 16 स्टीरियोआइसोमर्स। चलिए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में देखते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रहेगा, इफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ ऑड कायरल कार्बन, और इवन कायरल कार्बन भी हो सकते हैं, पहले तो मैं इवन का कर लेता हूँ, चलो इवन का पहले करते हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, अगर इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो हमें कैसे करना है, इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2^n -1 + 2^4 n/2 माइनस, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नंबर ऑफ एक्टिव एंड मीजोफॉर्म। देखिए ना, पहला हाफ क्या होता है एक्टिव, दूसरा हाफ क्या होता है इनएक्टिव। पहला हाफ में जो लिखना है एक्टिव, दूसरा हाफ क्या होता है आपका मीजो, मीजो मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको क्या बोला जाता है मीजो। अब देखिए कंपाउंड, ये एंड सेम मीन्स क्या हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन, 2, इस इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। फार्मूला में पुट रखना है, फार्मूला क्या हमारा 2^n-1 + 2^n/2-1। कितने कायरल कार्बन, 2, तो 2 वैल्यू रखो यहाँ पर, 2-1, 2^2-2-1, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 3 आ गया, 3 आंसर, तो टोटल मिलेगा आपको 3। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3। एक्टिव फॉर्म, इसमें से एक्टिव फॉर्म ये हो गया हाफ पार्ट, तो एक्टिव फॉर्म 2, और इसके मीजो फॉर्म कितने आ गए, 1, मीजो फॉर्म इज 1। देखिए इसके तीन आइसोमर्स बनेंगे, एक इसमें से जो दो एक्टिव रहेंगे और एक कैसा रहेगा, इनएक्टिव। तो देखिए मीजो फॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मीजो फॉर्म में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो फॉर्म में होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव, देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हमने जो ऑड वाला दिया था, अब देखिए ऑड वाला, ऑड में क्या दिया है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ ऑड कायरल कार्बन, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ ऑड कायरल कार्बन। अब देखिए नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2^n-1, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2^n-1। अब देखिए इसमें से एक्टिव फॉर्म क्या है, 2^n-1 -2^n-1/2, और इसका मीजो फॉर्म क्या होगा, 2^n-1/2, मीजो मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल फॉर यू, जो नेक्स्ट पेज रहेगा इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमें एग्जाम्पल करना है, ये एंड सेम और ये वाला एंड सेम, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 मीन्स ऑड कायरल कार्बन, फार्मूला क्या होगा ये, सो नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज 3, सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2^n-1, 2^3-1, 2^2 मीन्स 4, टोटल तो 4 आ गए। अब मुझे इसमें चेक करना है टोटल कितने आएंगे, देखिए 4 आना चाहिए इसके लिए, तो टोटल इसके लिए 4 आ गया, देखो 2^3-1, 2^2 मीन्स टोटल 4 आइसोमर्स। अब मुझे इसमें देखना है इसमें एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव फॉर्म इज इक्वल टू 2^n-1 -2^n-1/2, ये हो गया आपका एक्टिव फॉर्म। देखिए एक्टिव फॉर्म कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 एक्टिव फॉर्म, मीजो फॉर्म मीन्स इनएक्टिव फॉर्म, मीजो फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2^n-1/2, ये भी कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे 2 क्या हो गया, मीजो फॉर्म आर 2 एंड एक्टिव फॉर्म्स आर 2, टोटल कितने हो गए इसके, 4 आइसोमर्स। चलिए अब ये दो एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करना है, तो ये जो दो एग्जाम्पल्स दिए मैंने, दैट इज हेप्टेरिक एसिड, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, उसके एक्टिव फॉर्म और मीजो फॉर्म। दूसरा दिया है मैंने आपको ये, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, स्टीरियोआइसोमर्स, इसके एक्टिव फॉर्म और इसके मीजो फॉर्म। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर्स, मुझे इसके आंसर्स कमेंट कीजिएगा, फिर हम चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ फॉर IIT जेम CSR नेट गेट IIT JEE नीट एग्जाम्स। थैंक यू सर। बस आपको क्या करना है, दो एक क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर्स मुझे देना है, फिर मैं उसको चेक करके आपको बोलूँगा कि आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।